बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूअर्स, आज मैं मेरी वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, जो मेरी सिम्मी मम्मा है पंजाबी गार्डन वाली, आप सब जानते होंगे। सो उनसे मैंने ये रेसिपी ली है और उनकी रेसिपी है, सो फॉर श्योर नो फेल रेसिपी होगी, और रेस्टोरेंट में भी मैंने बहुत बार खाई हुई है। सो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ दाल मखनी की रेसिपी। दाल मखनी के लिए यहाँ पे मैंने काली दाल उड़द की है होल नाइट भिगो के रखी है, आप देख सकते हो, और ये कुछ राजमा डाले हुए हैं मैंने। सो इसको पूरी रात भिगो के रखा है और अभी 7-8 पानी से क्लीन करके वॉश करके रखा है मैंने। और अभी यहाँ पे मैं कुकर लूंगी, प्रेशर कुक करूंगी। अगर आप चाहो तो बड़े से फ्राइंग पैन, पतीले, कोई भी चीज यूज कर सकते हो बॉईल करने के लिए कवर करके। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि प्रेशर कुक में हम इंस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अभी हम इसमें डालेंगे ये जो ब्लैक वाली हमारी उड़द की दाल है, प्लस राजमा है, और पानी है थोड़ा सा, और सॉल्ट। ये चारों चीजें हम मिला के प्रेशर कुक कर देंगे। 7-8 सीटियां आने दूंगी मैं इसकी फुल फ्लेम में ही, फिर बताती हूँ आगे। देखो व्यूवर्स, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब इसे मैं प्रेशर कुकर में रख दूंगी। कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सॉल्ट ऐड कर दिया है, और अब इसे विसल आने के बाद मैं बताती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसमें ब्लेंडर नहीं घुमाना है हमें, जो दाल है उसको एज इट इज ही रहने देंगे, और जो हमारा मैनुअल वाला आता है दाल घुटने का वो हम यूज कर लेंगे। ये देखो दाल अच्छी तरह से गल गई है हमारी, और राजमे भी गल गए हैं। इसको एज इट इज ही रहने देंगे हम। जो ये वाला हमारा मैनुअल वाला आता है से हम ऐसे बीट कर लेंगे हल्के से, मैं ये बाद में बताती हूँ आपको। मीनवाइल हमें यहाँ पे क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखना है गरम, और उसमें मैं ऐड करूंगी अनियन, मीडियम साइज की अनियन ली है मैंने 2, और इसमें दाल मखनी है तो मक्खन तो हम ऐड करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे जो बटर आता है हमारा, अमूल बटर नहीं है, जो व्हाइट बटर आता है डेयरी का, वैसे येलो भी यहाँ पे मिलता है, वो बटर है, मक्खन बोलते हैं जिसे हम। सो वो लास्ट में मैं बताती हूँ आपको कैसे ऐड करना है। अभी पहले ऑयल में हम सिर्फ प्याज डालेंगे, देखो इसमें ही बटर ऐड कर दिया है। अगर आपको ये मक्खन नहीं पसंद है तो आप व्हाइट वाला भी यूज कर सकते हो, व्हाइट नहीं पसंद है तो आप प्योर घी भी यूज कर सकते हो, अमूल का बटर भी यूज कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट इसको ज्यादा गर्म नहीं होने देना, नहीं तो बटर क्या है जल जाता है और फिर इसकी स्मेल अच्छी नहीं रहती है। सो हल्का सा ये जब हीट होने लगे तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी। बस 3 चीजें ही ऐड करनी है हमें, चौथा कोई भी चीज नहीं है, प्याज, टोमेटो प्यूरी और लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज को हल्का सा भूनने रखूंगी मैं, और तब तक वो जो दाल है वो हल्की सी हम जो हमारा है दाल घोटने का उसे घोट के मैं रेडी रखती हूँ, और इसको मैं मीडियम फ्लेम में कर देती हूँ। ये तो व्यूवर्स, प्याज हमारी पिंक हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है हमें। और नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, मैंने मिक्स नहीं कर लिया है। ये हल्का हल्का सा भूनेंगे, एंड नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी। अगर आपको लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश नहीं पसंद है तो जो हम लेडीज स्टोर करके रखते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपको वो भी नहीं पसंद है तो क्रश किया हुआ भी ऐड कर सकते हो, बट लहसुन अदरक डालना ज़रूरी है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो प्यूरी, मैं यहाँ पे हल्का सा क्रश किया हुआ टोमेटो यूज़ कर रही हूँ ग्रेटर में, अगर आप चाहो तो मिक्सी वाला भी यूज कर सकते हो। और मुझे अभी किसी ने बताया कि आप वीडियो में बहुत धीरे से बोलते हो, सो अभी मैं ट्राई करूंगी कि मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलूं। आई डोंट थिंक सो, कम आवाज आती है, बट फिर भी आपने बोला है तो मैं जोर से बोलूंगी इंशाल्लाह। और अभी भी स्लो आती है तो मुझे कॉमेंट करके बताना
तो मैं थोड़ा सा माइक लेके अनाउंस करती हूँ, वैसा बोलूंगी। एनीवेज जोक्स अपार्ट, चलो अब आते हैं पॉइंट पे। ये देखो मैंने टोमेटोज भी ऐड कर दिए हैं। आजकल टोमेटोज ऐड करना बहुत ही मुश्किल है, टोमेटोज के रेट आसमान पे चल रहे हैं, बट दाल मखनी में टोमेटोज तो ऐड करना ही पड़ेगा हमें। और अब मैं ऐड कर रही हूँ दाल। ये दाल का कलर देखते हुए तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसी ब्लैक कलर की दाल है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी दाल की रेसिपी है ये। और मैं तो पर्सनली जब रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मेरा फेवरेट मेनू है दाल मखनी एंड राइस। आई होप आप सबको भी पसंद आएगी दाल मखनी। सो अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। दाल बॉईल करते हुए मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अभी मैं ऐड करूँगी। और इसमें ढेर सारा पानी भी ऐड करना है मुझे, और इसको सिम यानी कि स्लो फ्लेम में मैं कुक करने रखूँगी। सो अब मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, चाहे कश्मीरी मिर्च हो चाहे देगी मिर्च हो, कुछ भी ऐड कर दो फ्रेंड्स। और नमक अपने हिसाब से, हल्का सा गरम मसाला, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं ऐड करना है हमें। सो ये गई हमारी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना बस। और फालतू के मसाले कुछ भी ऐड नहीं करना है मुझे। ये डाल दिया रेड चिल्ली पाउडर, एंड अब मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, और फिर आखिर में सब चीजें डाल के हल्का सा पानी डाल के इसमें मुझे ऐड करना है बटर। दाल मखनी है तो बटर तो अच्छे से ऐड करना ही पड़ेगा, बटर में कंजूसी तो नहीं चलेगी व्यूवर्स। तो ये मैंने डाल दिया सॉल्ट, और अब इसे हम कवर कर देंगे। दाल मखनी ऐसे ही होगी, कंप्लीटली क्रश नहीं करना है हमें। थोड़ी लाल मिर्च कम लग रही है तो मैं इसमें और एक आधी चम्मच ऐड कर रही हूँ। सो टोटल हो गई मेरी 2 चम्मच, या आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना जितना तीखा चाहिए आपको। दो प्याज मैंने ऐड की थी मीडियम साइज की, और दो से तीन टोमेटोज ऐड कर देना मीडियम साइज के। सब इसे अच्छे से मिक्स कर देना, पानी अपने हिसाब से ऐड कर देना, और बस हो गया। अभी ये स्टेप में मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड नहीं करूंगी। नमक तो सही लग रहा है, नमक थोड़ा संभाल के डालना क्योंकि इसमें हम बटर डाल रहे हैं। देखो 2 बड़ी चम्मच बटर के ऐड कर रही हूँ मैं, और अभी इसे स्लो फ्लेम में मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। बस 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक कर दिया है। अब इसे मैं ऊपर से क्या ऐड करूंगी, अमूल का फ्रेश क्रीम, जरूरी नहीं है यही ऐड करो, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो। अब ऊपर हमें क्रीम डालना है, क्रीम डालने से इसका टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच जितना क्रीम ऐड करना है हमें, और फिर सर्विंग में भी हम ऊपर से ऐड करेंगे क्रीम थोड़ा सा। अब इसको 10 से 15 मिनट मैंने रखा है, अब इसे ओपन करके देखते हैं। बटर एंड कोरिएंडर लीव्स तक मैंने ऐड कर दिया था, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया है, आप देख सकते हो। 10-15 मिनट और रहने देंगे मैं इसे। थिकनेस आप देख सकते हो दाल की, और टेक्सचर भी बड़ा प्यारा आया हुआ है जैसा मुझे चाहिए था। तो वापस इसे कवर करके रखते हैं हम। ये देखो मेरी दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है,
अब इसे मैं सर्विंग बाउल में लेके बताती हूँ। और मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और स्पेशली सिमी मामा आप तो जरूर बताना कि ये दाल मखनी आप जैसे बनाते हो वैसी बनी है या नहीं। सो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। देखो मैंने इसको सर्विंग बाउल में भी ले लिया है, और अभी आप इसे रोटी या नान के साथ इंजॉय कर सकते हो। सो बड़ी ही सिंपल सी एंड क्विक एंड रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, सो आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए, एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपलोड। दुआ में याद।